हेलो वेलकम खुशामदीद नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद मी अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, जवान का ट्रेलर सामने आ गया है और आज उस ट्रेलर में मैंने जो बातें देखी उसके आधार पर आज मैं कुछ बहुत बड़े दावे करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात, क्या शाहरुख खान की जो जवान है वो 1980s में अमिताभ बच्चन की जो आखिरी रास्ता आई थी उससे इंस्पायर्ड है, जिसमें एक पिता अपने परिवार पर हुए जुल्म का बदला जो है वो एक खलनायक से लेता है और बेटा जो होता है वो अपने बाप को रोकने आता है। दोस्तों, जो चीजें ट्रेलर से पता चली हैं उस बुनियाद पर आज मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा। सबसे पहले आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा कि विजय सेतुपति जो किरदार निभा रहे हैं वो एक आर्म्स एजेंट का है। आप जैसी ट्रेलर देखते हैं तो उसके अंदर विजय सेतुपति ये कहता है कि मैं एक आर्म्स एजेंट हूं, और उसी ट्रेलर के अंदर दो तीन चीजें दिखाई देती हैं। पहली बात ये, विजय सेतुपति जो है वो यंग दिखाई देता है, युवा दिखाई देता है, जिसमें उसकी दाढ़ी जो है काली है, और फिर उसी के अंदर विजय सेतुपति के बाल जो हैं वो सफेद हो जाते हैं, यानी कि एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है। विजय सेतुपति इसमें एक आर्म्स डीलर का किरदार निभा रहे हैं और एक नेगेटिव किरदार है, और साथ ही विजय सेतुपति युवा से बुजुर्ग हो जाते हैं। और इसी में एक और चीज दिखाई देती है, शाहरुख खान जिनकी मूंछें हैं वो एक आर्मी के ऑफिसर हैं और उनकी अपनी एक प्लटून है, उनकी अपनी एक फोर्स है, उस फोर्स के साथ जो है विश्वासघात होता है। और उस ट्रेलर के आधार पर मैं कह सकता हूं कि विजय सेतुपति जो एक आर्म्स डीलर है वो मूंछ वाले शाहरुख खान के सामने एक डील रखते हैं, जिसके तहत शाहरुख को अपने देश के साथ गद्दारी करनी होती है, मगर शाहरुख उससे इनकार कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी पूरी की पूरी प्लटून जो है वो मारी जाती है। अब यह हुआ इसका एक फेज। अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा इस ट्रेलर की बिल्कुल शुरुआत में, जहां टेलीविजन पर एक न्यूज चैनल पे इस बात का ऐलान होता है कि एक ट्रेन का हाईजैक हो गया है, और फिर इसमें दिखाया जाता है एक शाहरुख जिसके सिर पर बाल नहीं है, जो बुजुर्ग भी है, और जिससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी मांग क्या है, तो वो हंसकर कहता है मांग तो मेरी आलिया भट्ट है। खैर, मगर एक बात तय है कि इसमें शाहरुख का किरदार एक राजा जैसा है, क्योंकि ट्रेलर की बिल्कुल शुरुआत में वो ये कहते हैं कि एक राजा था जो अपना सब कुछ हार गया, वो जंगल में भटक रहा था और वो बहुत नाराज था। यानी कि जवान एक रिवेंज ड्रामा है जिसमें शाहरुख खान का डबल रोल है, और शाहरुख इसका हिंट जो है बिल्कुल ट्रेलर के एंड में भी दे देते हैं कि अगर मेरे बेटे को टारगेट करोगे तो उसका बहुत जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कई चीजें, जैसे हम कहते हैं ना, कई ईस्टर एग्स जो हैं इस ट्रेलर से सामने उभर कर आते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि जवान के अंदर शाहरुख का डबल रोल है, जो सीनियर रोल है वो एक आर्मी ऑफिसर का है जिसकी अपनी एक प्लटून होती है, ये पूरी प्लटून मारी जाती है, और इसमें आर्म्स डीलर विजय सेतुपति का हाथ होता है, एक ऐसा आर्म डीलर जो खुद को विलन बताता है। और फिर इसका बदला कई सालों बाद बुजुर्ग शाहरुख खान जो है वो लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसिडेंट जिसमें उसका पूरा प्लटून मारा जाता है उसमें शाहरुख खान बदनाम भी हो जाते हैं, और हो सकता है उन्हें जेल भी रहना पड़ता हो, और जेल से रिहा होने के बाद वो बदला लेते हैं, वो रिवेंज लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाद में जाके विजय सेतुपति जो हैं वो समाज के एक इज्जतदार इंसान हो गए हैं। और इसी ट्रेलर से दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। दीपिका पादुकोण जो है वो किरदार निभा रही है ऑपोजिट सीनियर शाहरुख खान, यानी वो शाहरुख खान जो कि फिल्म में बदला लेते हैं, और ऐसा लग रहा है दोस्तों, हालांकि वो सीन बहुत तेजी से आपकी आंखों के सामने से गुजरता है, शायद एक सीन भी है जिसमें एक जो कैरेक्टर है वो शायद एजाज अशरफ निभा रहे हैं, उसे
वो टॉर्चर करते हैं सीनियर शाहरुख खान और एक ऐसे कैरेक्टर को जो ऐसा लग रहा है कि दीपिका पादुकोण है, और उन्हें गोली मार देते हैं। यानी कि शाहरुख न सिर्फ अपने साथियों का बदला ले रहे हैं बल्कि शायद उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। और जो जूनियर शाहरुख खान है यानी जो उनके बेटे हैं, उनकी परवरिश एक अनाथालय में होती है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, जब पहला टीजर आया था उस टीजर में आपको याद होगा कि एक बच्चे को उठाया जाता है, तमाम विधवा औरतें होती हैं, यानी कि शाहरुख की परवरिश जो है उनके पिता से दूर एक अनाथालय में होती है जहां कई विधवाएं भी होती हैं, और उनके पिता शायद उस वक्त जेल में होते होंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू भी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में सामने उभर कर आता है। यानी कि जवान में रिवेंज का तड़का है, म्यूजिक का तड़का है, क्योंकि देखिए लगातार एटली इसे एक म्यूजिकल बता रहे हैं। इसके गानों पर खासी मेहनत की गई है, और न सिर्फ गाने पर बल्कि कोरियोग्राफी पर भी जबरदस्त मेहनत की गई है। तो इसे म्यूजिकल बताया जा रहा है, एक रिवेंज ड्रामा है, इसमें देशभक्ति का भी तड़का है, जो कि आजकल जैसे कहते हैं ना, एक नया सीजन आया हुआ है तमाम फिल्मों में जहां देशभक्ति की बात की जा रही है। शाहरुख खान सीनियर जो है वो एक आर्मी के ऑफिसर हैं। अब शाहरुख खान के जो बेटे हैं यानी जूनियर शाहरुख खान, उनका क्या किरदार है इस ट्रेलर में, उनका क्या किरदार है ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वो एक रोमांटिक किरदार में है, उनकी एक हल्की सी झलक नयनतारा के साथ दिखाई देती है जब वो उनके साथ खड़े होकर कॉफी पी रहे होते हैं और वो पूरी की पूरी कॉफी जो है उनकी शर्ट पर गिर जाती है। तो जो जूनियर किरदार है यानी कि जो बेटे का किरदार है, वो ऐसा लगता है कि वो एक रोमांटिक किरदार है। क्या वो पुलिस ऑफिसर है, क्या उसे लगाया गया है सीनियर शाहरुख खान पर निशाना साधने के लिए? और हाँ, जो गर्ल पावर जिसकी बात लगातार की जा रही है, जिसमें प्रिया मणि भी हैं, सानिया मल्होत्रा भी हैं और चार पांच और लड़कियां हैं, वो किसकी टीम का हिस्सा है? क्या वो सीनियर शाहरुख खान की टीम का हिस्सा है या फिर उनके बेटे की टीम का हिस्सा है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा इस ट्रेलर में एक जगह पर सानिया मल्होत्रा रो रही होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हो सकता है कि जो सीनियर शाहरुख खान है जब वो बदला लेते हैं तो इसमें उन तमाम लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लड़कियां कौन होंगी? मुझे ऐसा लगता है ये तमाम लड़कियां जो हैं वो बेटियां होंगी उन आर्मी ऑफिसर्स की जो मारे गए थे, जिसकी एक हल्की सी झलक इस ट्रेलर में दिखाई देती है। यानी कि वो चार या पांच लड़की जिसमें प्रिया मणि है, सानिया मल्होत्रा है, ये सब बेटियां उन आर्मी ऑफिसर्स की होंगी जो सीनियर शाहरुख खान के साथ थी, जिनके साथ विश्वासघात हुआ था और जिन्हें मार दिया गया होता है, और ये बाद में जाके सीनियर शाहरुख खान की रिवेंज टीम का हिस्सा बनती हैं। तो यकीनन दोस्तों, एक बहुत ही एक्सप्लोसिव और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम के साथ जवान जो है वो सामने आ रही है। अब देखना यह है कि स्क्रिप्ट के लेवल पर फिल्म क्या कमाल करती है। यकीनन इसे एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग मिलने वाली है, इसमें दो राय नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा कि जब तक फिल्म की स्क्रिप्टिंग में, उसकी स्क्रीन प्ले में दम नहीं होगा, जवान लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं अपने स्टूडियो से प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज राखी है और बहन को राखी बांधने, बहन से राखी बंधवाने जाना है और उसे भी राखी बांधनी, ऐसा नहीं है। तो उसी में थोड़ा पारिवारिक काम चल रहा है और फिर अचानक साहब जवान का ट्रेलर आ गया और मैंने आपसे वादा किया था कि उस ट्रेलर पर, उसके तमाम पहलुओं पर पूरा एनालिसिस मैं आपके सामने पेश करूंगा, कि ऐसा एनालिसिस जो आपको कहीं पर भी किसी फिल्मी चैनल पर नहीं दिखाई देगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।